अच्छे इंसान हैं और इनके बारे में क्या कहूँ, जिस हिसाब से ये आगे बढ़ रहे हैं मुझे लगता है ये बहुत बहुत बड़ी ऊंचाई को छूने वाले हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री में बैठे हैं, नए इतने सालों से काम कर रहे हैं कलाकार के तौर पे, एक नए डायरेक्टर या नए कलाकार के साथ काम करना कितना चैलेंजिंग लगता है आपके लिए? मुझे बेटर लगता है पहले से, क्योंकि यहाँ पर पारिवारिक माहौल होता है, डायरेक्टर और एक्टर में जो रिलेशन है वो बहुत ही अच्छा मीठा स्वीट रहता है, वो काम करने में बहुत मज़ा आता है। हम जब पुराने ज़माने में काम करते थे तो डायरेक्टर्स हमारा नाम ही नहीं जानते थे ठीक तरह से, हमारे बारे में कोई जानते नहीं थे, बस छोटे मोटे रोल किया करते थे उसमें, अरे ठीक है भाई इधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो उसमें मतलब आत्मीयता नहीं आती थी। आज की तारीख में जितने भी युवा डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर हैं, उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि वहाँ आत्मीयता मिलती है। गाने बड़े रोमांटिक है, मूवी का नाम है ये युवा आंदोलन, ये है युवा आंदोलन, और काफ़ी अच्छी स्टोरी है ये मूवी की, और काफ़ी अच्छे लोगों की, सबकी एक्टरों की एक्टिंग है, और गाने भी बहुत ही खूबसूरत गाने हैं, लिरिक्स भी बड़े खूबसूरत है, गाना सुनना सबको मज़ा आएगा, और ये गाना आप 50 बार सुनेंगे तो भी आपको 51 बार सुनने का दिल करेगा, बड़े अच्छे गाने हैं। एक्चुअली क्या है, कल्याण जी अंकल जो है वो हमारे ये है युवा के कर्ता धर्ता निर्माता हैं और हीरो भी हैं, और इनको एडवाइस लेने का एक नेक है, और ये वही एडवाइस देते हैं जो इनके काम की होती है, बाकी को उठा के फेंक देते हैं, है ना, इसलिए मैं इनको या ठिकानी कल्याण अंकल कहता हूँ। मुझसे पूछो आप। अच्छा हाय कल्याण जी, तो बहुत अच्छे इंसान है सबसे पहली बात तो, और ड्रीम सिटी मुंबई के बाद अब मैं इनके साथ में ये फिल्म कर रहा हूँ, ड्रीम क्या फिल्म आंदोलन, युवा आंदोलन, बहुत ही अच्छा कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, बस वो खुल के बताऊँगा नहीं, बाद में मतलब जब शूट होगी तो पता चलेगा, और बस इनके साथ काम करके मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं हमेशा इनके साथ काम करते रहना चाहता हूँ। कल्याण जी बहुत ही अच्छे इंसान है और उन्होंने मुझे नए को चांस दिया है और बहुत बेहतरीन पिक्चर बन रही है युवा। इतनी तारीफ भी क्या कहना चाहेंगे, इतने लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, और अपनी फिल्म के बारे में बताइए क्या सब्जेक्ट है फिल्म का, कितना सक्सेसफुल होगा जब ये बड़े पर्दे पर आएगा? पहले तो आप जितनी मीडिया है, ये मेरे भाई है, मेरे भगवान है, सबसे पहले मेरे मीडिया को नमस्ते जो इस गरीब के लिए आते हैं ऑन मीडिया, और सबसे पहले मेरे प्यारे हैं हिमांशु झुंझुनवाला और ये संजय भूषण, सभी प्यारों को मेरे सैल्यूट है। ये फिल्म का नाम है ये है युवा आंदोलन, एक ऐसे एक सब्जेक्ट है जिसमें आजकल के युवा को नेता लोग जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उसके ऊपर एक सब्जेक्ट है। उसके बाद जो आज बच्चे जो गायब होते हैं, छोटे बच्चे लड़का लड़की जो गायब होते हैं, वो गायब होने के बाद जो बच्चे बड़ा होता है तो वो बच्चे क्या काम करता है, तो कभी ना कभी बड़ा होता है वो क्या काम करता है, वो उसमें है। उसके बाद आज का चल रहा है ड्रग्स के ऊपर, आजकल के कॉलेज के लड़का लड़की डिस्को पे जो ड्रग्स ले रहा है, आजकल के युवा है एमडी जो है आज ख़त्म कर रहा है पूरी युवा को, तो मैं चाहता हूँ उसके ऊपर एक हम सब्जेक्ट, तीन सब्जेक्ट के ऊपर हम ये फिल्म बना रहे हैं, जो युवा कैसा ख़त्म हो रहा है। हमारे माननीय नरेंद्र मोदी साहब ने बोला है जो युवा शक्ति, तो युवा को हम क्या वो क्या करेंगे, जो हम आगे जाओ, लेकिन युवा अगर ख़त्म होते जाएगा तो युवा अगर एमडी ड्रग्स ऐसा ड्रग्स है जो आज मुंबई में हर गली में आज डिस्को पे सब जगह पे वो चल रहा है, वो ले रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ ये ड्रग्स ख़त्म हो, ये ड्रग्स इंडिया में नहीं आए और कोई भी सप्लाई ये नहीं करे, अगर ये ड्रग्स कोई नहीं लेगा तो युवा वो ज़िंदा रहेगा, तो उसके ऊपर हम लोग ये ड्रग्स, उसके बाद जो आजकल के बच्चे लोग, आजकल आप सुनते हो, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग देखते हो, जो आज यहाँ से दो बच्चे गायब हुआ मेले से, ये गायब हुआ, तो बच्चे लोग जो गायब हो रहे हैं, तो छोटे बच्चे गायब हो रहा है, वो गायब होकर वो जाता है किधर, वो कभी तो बड़ा होगा वो ज़िंदगी में, तो बड़ा होने के बाद उन लोग क्या काम करता है, वो जाता है किधर वो बच्चे, तो ये जो ये सब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा ये सब्जेक्ट है, ये मैं चाहता हूँ आप लोग भी सपोर्ट करें मीडिया और यहाँ के जो युवा है इंडिया के, जो क्योंकि हम इंडिया वाले हैं तो इंडिया का दिल में प्यार रहता है, तो मैं चाहता हूँ सब दिल के सब मिल के हम लोग इस फिल्म को बनाएं, और मैं चाहता हूँ ये फिल्म शायद सबको अच्छा लगेगा कि एक एक स्टोरी हम लोग अच्छा लेके आ रहा है, और साथ साथ में आज जो म्यूजिक
डायरेक्टर साहब है दामोदर राव और शाहिद मलिया जी है जो गाना गा रहे हैं, साथ में मेरे रमेश गोयल साहब है, मेरे भाई है, सब तमाम है लोग हैं यहाँ पे। दामोदर राव जी जो मीट डायरेक्टर है मेरा बहुत अच्छे भाई भाई की तरह है, और शाहिद मलिया जी जो गाना गा रहा है। मैं ये चाहता हूँ आज आप लोग के माध्यम से मेरा ये स्टोरी मेरा जाए, और मैं चाहता हूँ युवा आप लोग भी हो तो युवा को कायम रखें और युवा को कोई इस्तेमाल वो नहीं करे, गलत मतलब एक मैं भी एक युवा हूँ तो मैं चाहता हूँ हमारे हिंदुस्तान ख़त्म ना हो, एक सोने का चिड़िया वो कहलाते हैं हिंदुस्तान को, तो मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान को ऐसे ही हाँ अगर ऐसे ही करते हो हिंदुस्तान वो ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो आप सभी की दुआ से आप सभी के आशीर्वाद से ये मीडिया में जाए और बचा जो बचा गुचा है वो कायम रखे बस। थैंक यू सर। हेलो, आई एम राशिका सिन्हा। राशिका जी, पूछना चाहूंगा आप कल्याणी के साथ काम कर रही हैं, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इंसान हैं, किस तरह के कलाकार हैं? बहुत टैलेंटेड है पहली बात, और दिल पे बहुत साफ है, बहुत प्रोफेशनल है, और इनके साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा, और मैं चाहूँगी कि मैं इनके साथ काम करते रहूँ। ये आपकी डेब्यू फिल्म होगी? जी हाँ। क्या बैकग्राउंड क्या आपका, आपने मॉडलिंग किया है? जी हाँ, मैं मॉडल रह चुकी हूँ, आई हैव डन फॉर अनीक स्टोर जो दुबई में है। और क्या किरदार होगा इस फिल्म में आपको तो बता सकते हैं? मैं इनके अपोजिट हूँ, कल्याण जी के अपोजिट हूँ। ये फिल्म जो है यूथ मूवमेंट पर, जैसा आपको मालूम होगा, जी क्या कहना चाहेंगे यूथ के बारे में कि क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सोसाइटी के लिए यूथ? रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो बहुत है, पर ये बेसिकली मूवी ड्रग्स के ऊपर है जो आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा हो रहा है, भले वो स्कूल के हो, कॉलेजेस के हो, या कितने भी, एज लिमिट है ही नहीं, सो बेसिकली मूवी उसके ऊपर है। और फिलहाल जितनी भी एक्ट्रेस हैं, सक्सेसफुल एक्ट्रेस हैं, कंगना है, किसको इंस्पिरेशन मानती हैं, किसको आप आइडल मानती हैं? आइडल इंस्पिरेशन फिलहाल हाँ बहुत सारी है, सबसे थोड़े थोड़े इंस्पिरेशन लेके काम होगी। और किस तरह का रोल प्ले करना चाहती हैं बेसिकली आप? फिलहाल वो तो माइंडसेट हुआ नहीं है, पर जो काम मिलता जाए, जो अच्छा लगे वो किया जाएगा। और ऐसे कौन से डायरेक्टर हैं जिसके साथ काम करना चाहेंगे आप? बड़े डायरेक्टर से करण जौहर, संजय लीला भंसाली, बड़े डायरेक्टर करण जौहर फेवरेट हैं। okay. और इसके बाद क्या आप लगता है कैरियर कितना ग्रो करेगा आपका, कितना हाई जाएगा इस फिल्म के बाद? एक्सपेक्टेशंस तो है, बट देखा जाएगा जब आपकी दुआ से, मीडिया की दुआ से, पब्लिक की दुआ से चलेगा। थैंक यू। फिल्म यूथ पे है, आप ये समझते हैं आज का यूथ जो यूथ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है आपकी यूथ सोसाइटी के लिए? फर्स्ट ऑफ ऑल जो यूथ है उनको, उनका एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हर आती चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, भले वो अच्छी हो या बुरी हो वो जज नहीं करते। यूथ शुड लर्न टू से नो, लाइक अगर कोई उन्हें ड्रग ऑफर करता है तो उन्हें ना बोलना आना चाहिए, अगर कोई उन्हें ड्रिंक ऑफर करता है तो ना बोलना आना चाहिए, उन्हें समझ में आना चाहिए कि वो गलत चीज़ के लिए उनको लीड कर रहे हैं। तो कुछ नहीं तो एटलीस्ट अपने पेरेंट्स का सोच के, अपने आने वाली जनरेशन का सोच के उन्हें मना करना चाहिए। यस, मैंने किशोर अमित कपूर से एक्टिंग में ग्रेजुएशन की है मेरी। okay. और फिलहाल मैं फ्रेश एक्टर हूँ फिलहाल, वर्किंग शाहिद कपूर, आई लाइक हिम, शाहिद कपूर हैज़ अ लॉट ऑफ वेरिएशन इन हिज कैरेक्टर्स, लाइक रोमांटिक टू समथिंग लाइक अ रिबेल इन हैदर, सो आई फाइंड हिम वेरी इंस्पिरेशनल। नो, ओनली एक्टर, जस्ट वांट टू प्ले मोर कैरेक्टर्स एंड गेट मोर डीप इनटू दिस फील्ड। यस, शी इज गोइंग टू बी प्लेइंग अपोजिट ऑफ मी, सो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वर्क।